हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धा है। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में नासिक के काला राम मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह। हिंदू धर्म में समानता व स्वाभिमान के लिए बाबा साहब ने महान सत्याग्रह, वहां के तालाब का पानी अछूतों के उपयोग के लिए किया गया। तो दूसरा बड़ा आंदोलन नासिक सत्याग्रह, वहां के काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी द्वारा दांडी मार्च से 10 दिन पहले 2 मार्च 1930 को अंबेडकर ने नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया था। इस सत्याग्रह से पहले देश में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिनकी जानकारी पहले दिया जाना उचित होगा। ब्रिटिश शासन की एक महत्वपूर्ण घटना साइमन कमीशन का भारत आना। भारत में राजनीतिक असंतोष फैलता जा रहा था। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि 1919 के कानून के तहत दिए गए राजनीतिक सुधारों में बदलाव कर कुछ और सुविधाएं दी जाए। सरकार ने संविधान सुधार मंडल की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसमें ब्रिटिश हाउस के कुल 6 सदस्य थे। सरकार ने घोषणा की कि यह कमेटी भारत में राजनीतिक सुधार के बारे में भारतीय नेताओं के गवाही लेने का काम करेगी। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। सन 1919 में मांगटेव जेम्स फोर्ड योजना में सुधार तथा संशोधन पेश करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया, जो 3 फरवरी 1928 को बंबई आकर उतरा। उस दिन पूरे भारत में हड़ताल रखी और कमीशन का बहिष्कार शुरू हुआ। साइमन कमीशन जहां भी गया, गो बैठक साइमन साइमन वापस जाओ के नारे लगाए और काले झंडे दिखाए। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का पूरी तरह से बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन की मदद के लिए भारत सरकार ने सेंट्रल असेंबली द्वारा निर्वाचित सदस्यों की सिलेक्ट कमेटी बनाई। उसी प्रकार राज्यों में सिलेक्ट कमेटी बनाई। बंबई प्रांत के सिलेक्ट कमेटी में अंबेडकर चुने गए, लेकिन कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उस पर मतभेद होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने दस्तक नहीं किए। उन्होंने अलग से अपने द्वारा तैयार की गई स्वतंत्र रिपोर्ट को पेश किया, जिसमें उन्होंने सिंध को बंबई प्रांत से अलग करने का विरोध किया। दरअसल भारत में मुस्लिम बहुमत प्रांतों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मुस्लिम नेता यह मांग कर रहे थे। अंबेडकर ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन संघ का विरोध करते हुए कहा कि पृथक चुनाव तथा सांप्रदायिक संरक्षण प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। संख्या के आधार पर सीटें सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन चुनाव बालिग मतदाताओं से ही होना चाहिए। बंबई की काउंसिलिंग में 140 मेंबर हों, जिनको 33% मुस्लिम मेंबर और 15% दलित
जात के सदस्य हो। प्रांतीय मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होनी चाहिए, गवर्नर की नहीं। सरकारी नौकरियों में भारतीयकरण जल्दी हो तथा प्रांतीय मंत्री मंडल पूरी तरह से जिम्मेदार हो। बाबा साहब अम्बेडकर के यह विचार उनकी राष्ट्रभक्ति के परिचायक हैं। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीति का राष्ट्रीयता के आधार पर जितना अधिक विरोध डॉक्टर अंबेडकर ने किया, उतना तो कांग्रेस ने भी नहीं किया था। साइमन कमीशन को सहयोग देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के विरोधियों ने उन्हें देशद्रोही व ब्रिटिशों का पिट्ठू कहा था। समर नेता साइमन के सामने समाज की ऐसी तस्वीर पेश करते थे जैसे यहाँ छुआछूत जैसी कोई समस्या नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने का अछूतों का फैसला स्पष्ट है। छुआछूत सवाल सामाजिक है, फिर भी उसके समाधान के लिए राजनीतिक उपाय किए जा सकते हैं। समण लोग इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जब ब्रिटिश संसद में भारतीयों को स्वराज देने का विचार किया जाएगा तो अछूतों के अधिकारों का भी ख्याल रखा जाए। इसी उद्देश्यों से वे साइमन से मिले थे और अपनी मांगों की विस्तृत रिपोर्ट दी। 23 अक्टूबर 1928 को पुणे में साइमन कमीशन के समक्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने गवाही दी। दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। अम्बेडकर ने 3 महीने कड़ी मेहनत कर जो रिपोर्ट पेश की थी उसकी उनके आलोचकों ने भी, कुछ विचारकों ने उन्हें चकमक पत्थरों के एक हीरा संबोधित कर गौरवान्वित किया। साइमन कमीशन को सहयोग देने से सभी राष्ट्रीय नेता अम्बेडकर से भारी नाराज हुए, देशद्रोही का आरोप लगाया, लेकिन अम्बेडकर ने इसकी कतई परवाह नहीं की और राष्ट्रहित के काम में लगे रहे। साइमन रिपोर्ट तैयार होने पर न केवल उन्होंने दस्तक किए बल्कि 17 मई 1929 को 94 पेज की अपनी बनाई रिपोर्ट भी जोड़ दी। मिनट ऑफ डिसेंट नामक इस रिपोर्ट को जब उन नेताओं ने पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गईं और अंबेडकर की राष्ट्रभक्ति पर शक करने की गलती का एहसास करने लगे। तिलक अखबार केसरी ने तब लिखा था, डॉक्टर अंबेडकर के विचार किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता के हैं। बंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त। इस प्रकार दलितों की 18 संस्थाओं ने कमीशन के सामने अपने मत प्रस्तुत किए और सभी ने दलितों के लिए अलग चुनाव का समर्थन किया। उधर बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने भी अम्बेडकर के ही विचारों का समर्थन किया और यह मांग करी कि अछूतों को सेना, नाविक दल व पुलिस दल में भर्ती का अधिकार दिया जाए। जून 1928 में अम्बेडकर बम्बई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए। वकालत में जातिवाद तथा सामाजिक आंदोलनों में अधिक सक्रियता के कारण डॉक्टर अम्बेडकर की वकालत में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसलिए घर गृहस्थी
चलाने के लिए उन्होंने इस नौकरी को स्वीकार किया। वहां अध्यापन के साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे और अगस्त 1928 में उन्होंने दलित जात शिक्षण समिति की स्थापना की, जिसके तहत शिक्षा के प्रचार का काम किया जाने लगा। सरकार ने इस योजना का स्वागत किया और हाई स्कूल के विद्यार्थियों के हॉस्टल में आवास सुधार के लिए सालाना 9,000 रुपये मंजूर किए। सरकारी आर्थिक सहायता से जब काम नहीं चला तो अम्बेडकर ने हिंदू, फारसी, मुस्लिम, ईसाई सबसे मानवीय आधार पर आर्थिक मदद मांगना शुरू कर दिया। अछूत विद्यार्थियों को समान हिंदुओं के स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था, उसके लिए भी अम्बेडकर को लगातार संघर्ष करना पड़ता था। हिंदू धर्म में अछूतों की दयनीय दशा की तरफ समान का द्वारा कोई ध्यान नहीं देने के कारण अम्बेडकर में विद्रोह की भावना बढ़ती होती जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक उनके मन में हिंदू धर्म को छोड़ने का विचार नहीं आया था। वे तो यही चाहते थे कि हिंदू व्यवस्था में ही सुधार हो और अछूतों को समानता का अधिकार मिले। अप्रैल 1929 में रत्नागिरी जिले में दलित जात परिषद का डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में चिपलूर में सम्मेलन हुआ। खास बात यह थी कि उस समारोह में अंबेडकर ने अपने ब्राह्मण सहयोगी देवराज नाइक को भी बुलाया, जिसने वैदिक मंत्रों के साथ हजारों अछूतों को यज्ञों पवित पहनाए। ऐसा करना इसलिए जरूरी समझा ताकि रूढ़वादी हिंदुओं में सुधार के प्रति सोच पैदा हो, लेकिन काफी समय तक प्रयासों के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। 29 मई 1929 को जलगांव की दलित जात परिषद में डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू समाज को चेतावनी देते हुए कहा कि समय के अनुसार समान हिंदुओं के व्यवहार के बदलाव नहीं हुआ तो अछूत समाज को किसी दूसरे धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। अछूत लोग अब मरे जानवरों को उठाने का काम नहीं करेंगे और समानता के हक के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे।